अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हाउ आर यू, कैसे हो आप सब लोग? छोड़ो यार, क्या देख रहे हो इतना गौर से? आए, रास्ता वही है, वही वाला जो पुराना रास्ता आ गया जी हमारा आज फाइनली। यार आज इस तरफ ना फुल फॉग हुई हुई है इस तरफ। ये जो रात को शो हो रहे हैं ना फॉग से, इधर पहाड़ होते हैं जो डेली नज़र आते हैं, लेकिन आज फुल फॉग है। मौसम का कोई नहीं पता चल रहा। अभी रात को तो बारिश हो जाती है, दिन का टाइम ऐसे मौसम होता है, और फिर सुबह के टाइम कभी धूप निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मौसम बिल्कुल ही चेंज है भाई, चार चार मौसम एक ही दिन में देखने को मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो अभी ट्रेन स्टेशन पर जा रहा हूँ, वहीं पर चलते हैं। दुआ करते हैं कि आज का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा भाई, हर दिन की तरह। ये सबसे ऊपर ये ट्रेन है 9:09 पर सिटी लोग, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 6 मिनटों पर आ रही है। चलो अभी नीचे जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2। इधर दो ही प्लेटफॉर्म है, छोटा सा तो स्टेशन है ये 1 और 2। 2 बजे खड़े हो जाते हैं, आ जाएगी ट्रेन तो चले चलेंगे। तो भाई पहले इतनी ठंड है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जा रहे हैं आप। यार मैं ना सोच रहा था ऊबर ईट का, मुझे मतलब कि काफ़ी लोग बोलते थे कि ऊबर ईट ट्राई करो बाइसाइकिल पे ना, इलेक्ट्रिक होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने लड़का भी आ रहा है। तो ये क्या ना, ये इलेक्ट्रिक होती है, वो जैसे वो पीछे वाला आ रहा है, ये तो मेरा पैदल से चला रहा है, इसकी नहीं है। ये जो पीछे से आ रहा लड़का, ये वाला, तो ऐसी होती है ना। अभी देखो मौसम ही ऐसा है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंड इतनी हो जाती है, उस वजह से ना फिर थोड़ा मुश्किल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करूँ, करेंगे ट्राई, मुश्किल नहीं है। अब बस एक दो दिन में फिर मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका भी। तो अभी बस चलते हैं सामने, जाके बात होती फिर आपसे। तो फाइनली यार टाइम से हम गुजर चुका काफ़ी सारा, तो अभी देखने से ना मौसम खुशगवार लग रहा है। तो ऐसा मौसम होना तो फिर काम चलता है, लेकिन ऐसा मौसम में मैं फ्री नहीं होता ना, मतलब इस टाइम पर फ्री नहीं होता। तो अभी देख लो, ठीक है, मौसम बिल्कुल खुशगवार है, बड़ी फास्ट जा रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हो, बादल है ना, बड़ी फास्ट मूव कर रहे हैं, हवा ऊपर बहुत तेज चल रही है। सो मौसम फुल टाइम खुशगवार है। तो ये होता है ना, इस टाइम पे मेरा यहाँ तो यूनिवर्सिटी होती है, तो यहाँ फिर मैं रेस्ट कर रहा होता, तो इस टाइम पे मैं कर नहीं सकता। तो मैं फ्री होता तकरीबन रात को 6 बजे के बाद, तो 6 बजे के बाद मतलब अंधेरा और सर्दी फिर डबल हो जाती है, तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ट्राई करेंगे, मैं ऊबर ईट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई और बात नहीं कर रहा, ऊबर ईट्स बाइसाइकिल पे ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भाई क्या बनता है क्या नहीं, मतलब उसको परमानेंट नहीं रखूंगा। सो उसको एक वीक के लिए ट्राई करके आपको बताऊंगा, हाँ भाई एक वीक में ये फर्क पड़ता है, एक वीक में ये फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो एंजॉय करो आज, आज मेरा मूड है कि आज के फुल टाइम फिर से वहाँ पर टूर करें क्राउन की साइड पर, क्योंकि अब सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब इंजॉय करेंगे थोड़ा सा माहौल जाके नीचे। मैं वही हूँ, एफएम चला दी हूँ, काफ़ी लोग न्यू देख रहे होंगे, तो ये ना परेशान ना होना, मैं वही हूँ यार। सो फाइनली ब्रेक टाइम, और ये नोट कर रहे हो ना, ये थोड़ा थोड़ा बारिश होने लग पड़ी है। सो बस यही, इधर वेदर का पता नहीं चलता यार, कभी धूप कभी बारिश। तो अभी ब्रेक टाइम, नॉर्मली वैसे तो मैं खाने के लिए ले आता होता हूँ अक्सर, तो आज जरा नहीं था लाया कुछ भी, तो आज बस बाहर से खाते हैं कुछ ऐसा जो जल्दी भी हो बन जाए और मज़ा भी आए, पेड़ भी बाज जाए, सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। मुझे पता है यहाँ पे आगे जाके राइट पे जाके शॉप आती है, तो वहीं पे चलते हैं बस, फिर बताता हूँ आपको क्या लेने लगा मैं वहाँ से। तो भाई बारिश भी ऐसा सा तेज़ हो रही है, लेकिन खैर ज़्यादा दूर नहीं था, ये साथ ही था, यहाँ से मैं आया, ये लेफ्ट से जाऊँ तो ये शॉप का नाम है। तो अभी यहाँ पर जाकर होटल लगवाते हैं, और सामने इस टाइम व्यू देख लो आप, ये वही बिल्डिंग जो ऊपर से नज़र आती है इस टाइम। तो वेदर फुल ख़राब होने वाला हो गया, बस यही तो बात है, वेदर का पता नहीं लगता। चलो भाई ब्रेक ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो HSP थी, उसके ऊपर थोड़ा चिकन होता है, फिर फ्राइज थे और कुछ केचप थी, बस हलाल होता है, बस इतना मुझे पता है, और मज़े का होता है। तो मौसम अभी चेंज हो गया, अब चलते हैं, अभी मिलते हैं फिर रात को। कौन सा ज़्यादा देर है, ये लो ये अगला क्लिप पकड़ो रात वाला। तो ये लो भाई रात हो चुकी है, बोला था ना मैंने ऐसे रात होगी सेकंडों में, तो अभी आ चुके हैं, देख सकते हो आप वो सामने मस्तैंग, मज़ेदार कलर है भाई। सो अभी इंजॉय कर रहे हैं भाई, इधर साउथ हियारा रिवर है सामने, आप व्यू देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन ये ना इनके स्काई में मतलब
इनका नहीं है मतलब ऐसे ही, कौन सा इनका पर्सनल है, आसमान में ना बादल है ना जो वो वाइट वाइट है, तो रोशनी की वजह से ना इनका चमकता हुआ आसमान शो होता है, मतलब पता लगता है अंधेरा नहीं है, ऊपर ही अभी दिन नहीं है। तो ये देख लो, ठीक है मैं बताता चलूँ आपको, ये जो सेंटर में बिल्डिंग है ये ऑस्ट्रेलिया 708 फिलहाल मेलबर्न की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, और ये जो है मतलब कि सबसे लेफ्ट पे है ना ये है यूरिका टावर, ये सबसे पहले ये बिल्डिंग होती थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, ऑस्ट्रेलिया की नहीं सॉरी माजरत गलती में देवता निकल जाता बंदा, मेलबर्न की। सो ये क्राउन की एंट्री है। तो मेरा नहीं मूड गया यार मैं यहाँ से जाऊँ सारा घूम के, और वो सामने आपको नज़र आ रहा है ना वो जो है वो चमकता वापस से ब्लू कलर का जो ऐसे वो ब्रिज है, तो उससे भी आगे जाना है, मेरा नहीं मूड गया मैं वहाँ तक पैदल जाऊँ। तो यही करते हैं यहाँ से ट्रैम पकड़ते हैं उसी पर चलते हैं, क्यों टांगे थकानी यार, इंजॉय अपनी जगह, लेकिन जब कोई होगा साथ चलने वाला तब चल लेंगे, फिर लाल ट्रैम पकड़ के चलते हैं। तो वहाँ से आज व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। चुके हैं ट्रैम स्टेशन पर, लेकिन इस साइड वाली नहीं आई है, दूसरी लाइन वाली है, और ये स्कूटर भी है सामने, एक मिनट यार ये तो हाँ ये वाला स्कूटर, और ये बड़ा महंगा पड़ता है यार, ये तकरीबन $10 पड़ जाते हैं कोई 10 मिनट में, तो फ़ायदा नहीं है इतना खर्चा करने का, फ्री ट्रैम है सही फ्री जोन वाली उसी का वेट करते हैं। वैसे इसके मैंने ये मैंने यूज़ किया हुआ, क्लिप भी पड़ा हुआ, चलो मैं वो आपको क्लिप दिखाता हूँ, वो क्लिप देख लो आप। थोड़ा सा मुश्किल है हेलमेट पहना हुआ है, तो मुश्किल है चलाते हुए वीडियो बनाना, तो अभी ना ऐसा करता हूँ कि जाके उतर के फिर वीडियो बनाता हूँ, ऐसे मुश्किल है, जो क्लिप बन गया बस वही था भाई। लगे हाथ कॉफ़ी पकड़ ली है और आ चुके हैं, उतर चुके हैं स्टेशन पे, आ चुके हैं फ्लिंडर स्ट्रीट, ये भी काफ़ी बिजी रहता है स्टेशन, तो खैर हमने आज स्टेशन ने भी जाना, भी आगे जाना, वहाँ से जाके फिर स्टेशन आएंगे, तो अभी बस क्रॉस करते हैं, ओपन होता है फिर। फाइनली एक नए ब्रिज पे आ गया, ऐसा लग रहा है भाई किसी और कंट्री में ही आ गया हूँ मैं, यकीन जानो इस तरफ आए नहीं मैं कभी ना। तो यहाँ से व्यू देख लो, ठीक है पहले ऑपोजिट साइड से था बिसर से है, तो इधर से तो टोटली चेंज है और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये सामने नज़र आ रहा है ना ये वही है भाई जहाँ पे 1992 में इमरान खान ने जिताया था मैच, हाँ जी मेलबर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सामने, और यार यहाँ से ज़्यादा वाइड एंगल नज़र आ रहा है ना, मतलब यार ज़्यादा वाइड सिटी नज़र आ रही है। तो है हर ये जो एरिया ना सिर्फ यही मेन सिटी है, ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना मेन सिटी इसी में आती है, बाकी सारे इसके सबाब हैं, लेकिन मेलबर्न छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे ना काफ़ी शो वगैरह होते रहते हैं, तो आज इनका जी लेज़र शो है, म्यूज़िक है ना जो मैंने हेडफोन लगाई हुआ है, और जैसे QR कोड दिया था मुझे, तो वो मैंने वो स्कैन किया और म्यूज़िक जो है ना मेरे हेडफोन में आ रहा है मुझे, और यहाँ पे ये चल रहा है, तो मज़ा है उसके साथ ही। आपको तो खैर ऐसे लेज़र घूमते हुए शो हो रहे होंगे, नहीं म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रहा है, म्यूज़िक शायद पता नहीं कॉपीराइट है कि नहीं है, पर छोड़ो हम रिक्स नहीं लेंगे, चलो देखते हैं भैया आज लेज़र के क्या करते हैं। चलो यार शो होने तो खैर हमें क्या लगे, हम चाहे सिंगल लोगों के लिए क्या बात, अपना यही है टाइम से घर जाओ भाई, छोड़ो यार क्या करना हमने, छोड़ो यार इसका कोई ना सहारा, उसकी ये सीरी सहारा भाई, इतने लाखों लगाए हैं फिर किसी काम तो आएगी ना, चलो इसी से पूछ लेते हैं। हे सीरी विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नो थैंक्स। बाय बाय टाटा सीरी, तेरी भी पहन दी सीरी, तनु मैं पानी से जाग गोते कराना सा काट पत्थर, तू तेरा काम खत्म होन। ए काफर दी इजाद, ए काफरा इजाद कीती है मुसलमान वास्ते हराम है, ते काम छड्डो ते घर नु चलो बस हुन। तो स्टेशन पे आ चुके हैं, बस चलो घर को यार छोड़ दो, बस दुनिया से तो बाहर ही उठ गया भाई, जाके अभी बस छोड़ दो बस, मैं ना को आज कुछ ना कुछ कर ही लेना, आज ये जिंदगी से बहुत तंग आ गए। तो चलो यार प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, बहुत हो गया। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे, हमारी लैलन की चप्पलें मत तिलक जाते हैं, तो लगता है इधर बारिश हुई है, पहले इतनी ठंड थी ऊपर से ठंडी ठंडी सुना रहा हूँ मैं, वो ठंड हो गई है, खैर घर आ चुके जा रहे अब। तो ओवरऑल यार बताना ये चाहता हूँ मैं कि मेरा खुद भी दिल होता है कि मैं एक्सपीरियंस करूँ नई नई काम नई नई चीज़ें, तो ऊबर इट्स स्टार्ट करते हैं इधर, ठीक है जो अप्रोच में है फिलहाल, जब गाड़ी आएगी फिर उस पर करेंगे, उसका तो खैर रूममेट मेरा करता रहता आसिम, तो उसको तो आप जानते ही हो जो मेरे साथ है रूममेट, तो वो तो करता रहता है उसमें, तो ठीक है मुझे पता क्या एस्टिमेट है क्या नहीं, तो बाइसाइकिल तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा मौसम सेट हो जाए, ठीक है ना, अभी पता नहीं चलता बारिश कब हुई नहीं कब नहीं होनी। तो आज मुझे दो इजाज़त, आज की वीडियो करते हैं ये पे एंड, मिलेंगे आपसे फिर कल इंशाल्लाह, मतलब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को, दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ,
क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ।